हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की फिजिक्स का हाइजेंस वेव थ्योरी का लेक्चर नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रूफ फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ चुके थे और बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू हाइजेंस प्रिंसिपल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रूफ फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब क्या कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो दैट फिनोमेना या दैट प्रोसेस ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज योर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसका लॉ क्या है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो इसको हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक इंटरफेस बनाएंगे जो दो मीडियम को सेपरेट करेगा। दिस इज योर मीडियम वन एंड लेट अस अज्यूम दैट दिस इज रेयरर विद रिस्पेक्ट टू दिस मीडियम एंड दिस इज टू एंड दिस इज डेंसर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। ठीक है, मान लीजिए कि एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, ये लेट्स नेम इट एज ए, और ये कहाँ पे गिरी, ये ए पॉइंट पे गिरी। अब मानते हैं हमारे पास दूसरी रे ऑफ लाइट, इसका नाम दे देते हैं बी, और ये आके ड्रॉप हुई, ये आई ए डैश पे। ये पॉइंट हमारा क्या है, पॉइंट हमारा ए है। अब हमें जैसा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाने के लिए एक नॉर्मल बनाई जाती है, सो लेट्स नेम दिस एज एन वन और इसको नाम दे देते हैं दिस इज योर एन टू। ठीक है, तो दिस विल बी योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद क्या होगा, सबसे पहला काम कि एक हम एक वेव फ्रंट बनाएंगे और एज वी ऑलरेडी न्यू दैट द वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट एंड एज द लाइट्स आर अप्रोचिंग, लाइट रेज आर अप्रोचिंग इन दिस डायरेक्शन, सो वेव फ्रंट विल बी जस्ट परपेंडिकुलर टू बोथ। एंड हेयर फॉर पैरेलल सोर्स ऑफ लाइट वी विल बी हैविंग अ रेक्टेंगुलर वेव फ्रंट। अगर इसका हम थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा होगा, ये परपेंडिकुलरली इनवर्ड। ठीक है, अब लेट्स नेम दिस एज बी। ओके, नाउ अब ये लाइट बेंड होगी इधर की तरफ, बेंड, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक, अब देखिए कि यहां पे हम एंगल मार्क करेंगे आई के रिस्पेक्ट में और यहां मार्क करेंगे आर के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका क्या है, वेव फ्रंट, हम इसको नाम दे देते हैं डब्ल्यू एफ। तो वेव फ्रंट और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल 90 है और ये एंगल अगर आपका आई निकल गया तो इट विल बी योर 90 माइनस आई। और अगर ये 90 माइनस आई है तो ये कितना होगा, क्योंकि नॉर्मल से इतना एंगल अगर आपका 90 माइनस आई निकल गया तो ये खुद 90 है तो ये कितना होगा, 90 माइनस ऑफ 90 माइनस आई, सो इट विल बी 90 माइनस लग जाएगा यहाँ पे, और माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, तो इट विल बी इक्वल टू आई। तो ये एंगल आपका कितना आ जाएगा, आई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मसला क्या है, ये फर्स्ट मीडियम है इसमें मान लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट वी वन है, और ये सेकेंड मीडियम है इसमें मान लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट वी टू है। तो लाइट देखिए यहाँ से टकराने के बाद, सॉरी टकराना नहीं है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन कराना है, सो लाइट विल बी कमिंग जस्ट टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अब देखिए पढ़ना क्या है हमको, हमको पढ़ना यह है कि हमें एक नया वेव फ्रंट बनाना है। तो हाइजेंस थ्योरी के हिसाब से एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट या फर्स्ट वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट या सेकेंडरी वेव फ्रंट को बनाने में मदद करेगा। तो इस पॉइंट से हम ये डिस्टेंस जो होगी, जैसे मान लीजिए टी इज इक्वल टू जीरो पे ये ए पे स्ट्राइक कर चुकी है, लेकिन टी इज इक्वल टू जीरो पे अभी ये स्ट्राइक करने से पहले है काफी, तो आप एक बात समझिए कि ये डिस्टेंस क्या होगा, यहां पे कितना आर्क लगाते हैं, वी वन टी डिस्टेंस का। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, वी वन टी। ये एक रेयरर मीडियम है और ये एक डेंसर मीडियम है, लाइट यहां पे डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी और यहां पे क्या होगी, रेयरर मीडियम में ट्रेवल करेगी। तो ऑब्वियसली लाइट ट्रेवल्स अ स्मॉल डिस्टेंस इन डेंसर मीडियम एंड अ लार्ज डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम इन एयर। मतलब लाइट, मान लो ये ग्लास है और ये एयर है, तो एयर में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और ग्लास या वाटर में कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये आर्क से थोड़ा सा छोटा आर्क बनाएंगे हम ये यहां पे,
तो ये दोनों आर्क को जब हम मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक थोड़ा सा यहाँ पे अजीब सा हो गया, ये हमारा आर्क है और यहाँ से एक हमें क्या मिल गया, ये मिल गया न्यू वेव फ्रंट। न्यू वेव फ्रंट मिल गया, ठीक है। अब देखिए ये एंगल हमारा क्या है, आर है, यहाँ पे ये एंगल क्या होगा आर, और ये एंगल क्या होगा 90 माइनस आर, और ये एंगल क्या होगा आपका आर, और ये पॉइंट क्या होगा बी डैश, ठीक है। तो इसमें एक बार इस डायग्राम को थोड़ा सा और क्लियर बनाते हैं ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आए। मान लीजिए कि ये इंसिडेंट रे आई ए, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ड्रॉप हुई, ये आपकी फर्स्ट नॉर्मल है, सो इट विल बी योर आई, और एक ये दूसरी रे आई, इसका नाम दिया बी हमने, ये आपकी सेकंड नॉर्मल है, इट विल बी, अभी नहीं बनाना एंगल, ठीक है, ये हो गया इट विल बी योर एन टू, और ये दोनों रे के परपेंडिकुलर क्या लाई करेगा, इनका वेव फ्रंट, ठीक। ये क्या है एंगल 90 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 90 माइनस आई, और ये कितना आएगा आई के बराबर आएगा। अब ये क्या होंगी रेज, फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम, डेंसर सॉरी रेयरर मीडियम, और ये डेंसर मीडियम, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब ये, ठीक है। और यहाँ पे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, एक आर्क लगाएंगे कितने का, वेलोसिटी इनटू टाइम, और ये डिस्टेंस क्या है, ये बी है, और ये क्या है आपका बी डैश है, और ये आर्क कितनी लंबी होगी, वी वन टी के बराबर, और इन दोनों आर्क्स को हम टच करा देंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, न्यू वेव फ्रंट, ये एक हमें नया वेव फ्रंट मिल गया। अब यहाँ पे क्या होगा, लाइट विल बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, तो ये एंगल कितना होगा आर, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस आर, ये एंगल क्या हो जाएगा आर, इसी तरह से यहाँ पे हुआ था आई के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास, थोड़ा सा इसको रफ कर ले फिर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास देखिए दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल है आपका ट्रायंगल ये ए है और ये ए डैश है, एक अपवर्ड ट्रायंगल देखो ए बी ए डैश, ट्रायंगल ए बी ए डैश, तो इस ट्रायंगल में क्या होगा, साइन आई विल बी इक्वल टू, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा बी ए डैश, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा ए ए डैश। ये एक ट्रायंगल है हमारे पास, इसको अगर हम सेपरेटली बनाएं इट विल बी समवॉट लाइक दिस, यहाँ पे आपका आई हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बी है, ये ए है, ये ए डैश है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेस, ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसको वी वन टी बोलेंगे ये डिस्टेंस को, और ये आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब नाउ वी हैव द नेक्स्ट ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश, ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश, यहाँ पे क्या होगा आप देख सकते हो, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो आपका बनेगा ये, दिस इज योर 90 डिग्री, दिस इज योर ए एंड बी डैश, एंड दिस विल बी ए डैश, एंड दिस इज योर एंगल आर, तो यू कैन इजली फाइंड, यहाँ पे देख सकते हो एंगल आर, ये इट विल बी योर वी टू टी, तो यहां से हम लगाएंगे साइन आर, देखिए आर के लिए ये क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा बेस, और ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज, तो साइन आर विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मींस कि ए बी डैश अपॉन ए ए डैश, ये आपकी पहली इक्वेशन और ये आपकी दूसरी इक्वेशन, तो हमें क्या करना है फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकेंड इक्वेशन, तो साइन आई बाई साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर विल बी इक्वल टू बी ए डैश अपॉन ए डैश, तो बी ए डैश अपॉन ए ए डैश, और डिवाइडेड बाय ए बी डैश डैश अपॉन ए ए डैश, सो इट विल बी इक्वल टू बी ए डैश अपॉन ए ए डैश
इंटू, ये जाएगा ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा, इंटू ए ए डैश अपॉन ए बी डैश, तो क्या आएगा आपका बी ए डैश अपॉन ए बी डैश। अब बी ए डैश क्या है, ये है इट विल बी वी वन टी, और ए बी डैश क्या है वी टू टी इज इक्वल टू वी टू बाई सॉरी वी वन बाय वी टू, एंड दिस इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। एज यू ऑल नो दैट कि अगर हमें लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो हम लोग क्या लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ठीक है, आई होप कि ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सर्फेसेज बाई यूजिंग हाइजेंस वेव थ्योरी वो प्रूफ हो चुका है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।